सो फाइनली दोस्तों हमारे फ्री फायर में बन्नी बंडल इवेंट आ चुका है, जिसमें आपको ये वाला जो बन्नी बंडल है मिल रहा है। तो काफी ज्यादा लाजवाब बन्नी बंडल होने वाला है। तो आज के सब वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप बन्नी बंडल कैसे निकाल सकते हो, टोटल डायमंड आपके कितने लगने वाले हैं, वन स्पिन ट्रिक क्या होने वाली है, कुल मिला के आपको ये बन्नी बंडल कैसे मिल सकता है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। और इस सब वीडियो में हमने पूरे 600 डायमंड का गिव अवे भी रखा है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ओके, तो यहां पर गाइज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपना फ्री फायर ओपन कर लेना है। फ्री फायर ओपन करने के बाद में ये वाला जो बन्नी बंडल इवेंट है वो आ जाएगा। और इस इवेंट के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 1 तारीख को आने वाला है और 1 तारीख को हमारा बन्नी बंडल आ चुका है। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको वन स्पिन ट्रिक आजमानी होगी, क्योंकि वन स्पिन ट्रिक आजमाते नहीं हो तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे जो ज्यादा डायमंड है वो यहां पर आपके खर्च हो जाए। ओके, तो आपको सबसे पहले एक करेक्टर में जाना है। करेक्टर में जाने के बाद में आपको एक नॉर्मल सा जो करेक्टर है वो यहाँ पर आपको ले लेना है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, काफी दिनों से आपने इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा करेक्टर ले सकते हो। तो ये वाला करेक्टर मैंने इस्तेमाल नहीं किया काफी दिनों से, इसको मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद में अगर आपने कोई गन स्किन इक्विप वगैरह करके रखी होगी, जैसे कि लॉबी में शो करके रखी होगी, तो उसको आपको हटा देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जो ये MP40 है लॉबी में शो करके रखी है, तो इसको मैं इक्विप कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो नॉर्मल होगी। उसके बाद में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो क्लियर केस है इसको कर देना। ओके, कंफर्म मैंने कर दिया। ओके, कंफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको लक रॉयल में चले जाना है। लक रॉयल में जाने के बाद में आपको गोल्ड रॉयल पे क्लिक करना है। गोल्ड रॉयल पे क्लिक करने के बाद में एक जो स्पिन है वो आपको कर देना है। कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपको जो 10+ स्पिन वाले है ये भी आपको कर देना है, ताकि एक साथ आपके 10 स्पिन हो जाए इसमें। ओके, तो देख सकते हो 10 स्पिन मैंने एक साथ कर लिए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद में ये वाले जो बन्नी रॉयल है इसमें आ जाना है, और पहला जो स्पिन है एक जो डायमंड का स्पिन है, मतलब एक स्पिन है 40 डायमंड का ही करना है आपको, 10-10 स्पिन वाले नहीं करने। ओके, तो जो पहला स्पिन है मैं आपके सामने कर लेता हूँ 40 डायमंड का, और क्या निकलता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे एक टोकन निकल चुका है, जिसका नाम है क्या नाम है इसका, डेस्टनी बुलेट नाम का एक टोकन है। इन टोकन से भी आपको ये वाला जो बन्नी बंडल है मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कितने जो टोकन है वो होने चाहिए। तो ये जो टोकन है ये भी आपके पास हो सकते हैं, तो आपको ये वाला निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने टोकन होने पे आपको बन्नी बंडल निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट बन्नी बंडल भी निकल सकता है। यहाँ पर एक्सचेंज के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, और कितने टोकन मुझे चाहिए बन्नी बंडल वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 50 बन्नी बंडल टोकन हो जाते हैं तो यहाँ पर मुझे ये वाला जो बंडल है मिल जाएगा। 40 पे बन्नी MP40 मिल जाएगी, ये सब कुछ दिया गया है। ओके, तो चलिए स्पिन कर लेते हैं। एक टोकन मेरे पास हो चुका है। अगर आप चाहो तो 10 स्पिन भी एक साथ कर सकते हो, 400 डायमंड हो जाएंगे, कुल मिला के 11 स्पिन हो जाएंगे। तो चलिए 10 वाला स्पिन करते हैं आपकी बार, देखते हैं क्या निकला या फिर नहीं निकला। 10 वाला स्पिन मैंने आपके सामने कर दिया है, और डायमंड जो मेरे कट कितने हुए हैं वो भी आप देखेंगे। तो 400 ये किए थे, 40 वो किए थे, मतलब 440 हो गए हैं। और यहाँ पर निकले हैं मुझे 5 टोकन 2 टोकन, मतलब कुल मिला के बहुत ही घटिया कट गया है मेरा। सो यहाँ पर 440 डायमंड मेरे हो गए हैं। 40 डायमंड का स्पिन में एक बार और कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये निकला है किसी बेकार किसी चीज। उसके बाद में फिर से स्पिन करते हैं, 40 वाले ही करते हैं। सो यहाँ पर 40 वाला स्पिन मैंने कर लिया, देख सकते हो यहाँ पर ये वाला निकला है। तो बेकार जो चीजें हैं वो निकल रही है। कुल मिला के बहुत ज्यादा जो डायमंड है खर्च करने वाला है ये। तो यहाँ पर हम करेक्टर चेंज कर लेते हैं। मेरे कितने डायमंड लग गए वो आप समझ सकते हो, 440 पहले लगे थे, और 80 डायमंड के 2 स्पिन मैंने अभी और कर लिए हैं। तो समझ सकते हो 1120 डायमंड मेरे लग चुके। तो अभी एडम करेक्टर लेते हैं हम, और एडम करेक्टर में हमारी जो क्या बोलते हैं लक को आजमाते हैं। तो एडम करेक्टर मैंने ले लिया है, और क्लियर केस मैंने कर दिया, आप देख सकते हो क्लियर केस मैंने कर दिया है। और उसके बाद में लक रॉयल में जाते हैं, 580 जो डायमंड है वो मेरे लग चुके हैं। ओके, तो 520 डायमंड लग चुके हैं, सॉरी 520 डायमंड लगने के बाद में वन स्पिन करते हैं। 40 डायमंड का स्पिन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। क्या यार यार ये क्यों आ रहा है मुझे, मतलब कम से कम टोकन दे दो और नहीं तो। तो देख सकते हो एक टोकन और मिल गया है मुझे। तो यहाँ पर मुझे एक टोकन और मिल चुका है, और हमारे स्पिन हो गए हैं पूरे 600 के मैंने स्पिन कर दिए हैं। और 600 के स्पिन करने के बाद ले मुझे यहाँ पर मिला है सिर्फ 7 टोकन मिल चुके हैं। देखते हैं 7 मिले या फिर 8 टोकन मिले। तो मेरे जो 9 टोकन हो चुके हैं, मैंने 600 डायमंड जो यहाँ पर खर्च कर दिया। तो 10 वाला स्पिन एक बार और करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। 10 वाला स्पिन मैं करता हूँ, और 10 वाले स्पिन में क्या निकला है। ओके ओके, 10 जो टोकन है एक साथ निकल चुके हैं। और ये क्या निकला है भाई,
ओके गाइस, बन्नी बंडल भी यहां पर निकल चुका है, टोकन भी निकल चुके हैं और बन्नी बंडल भी निकल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन यहां पर आ चुका है। तो देख सकते हो यहां पर मेरे 600 डायमंड वो लगे थे और 400 डायमंड ये लगे हैं, तो बन्नी बंडल भी निकल चुका है और टोकन मेरे पास एक जो रेयर चीज है वो और निकल चुकी है, बन्नी MP40 भी निकल चुकी है गाइस, बन्नी MP40 भी निकल चुकी है। मेरे पूरे पूरे 1000 डायमंड लग चुके हैं जिसमें बन्नी जो MP40 है वो निकल चुकी है। आप देख सकते हो बन्नी MP40 निकल चुकी है और साथ में मेरा जो बन्नी बंडल है वो निकल चुका है, टोकन भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो यहां पर मैं आपको इक्विप करके भी दिखाऊंगा, तो टोकन से क्या क्या ले सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि दो चीजें मेरे पास ऑलरेडी यहां पर आ चुकी है और टोकन मेरे पास 21 हो चुके हैं गाइस, 21 टोकन हो चुके हैं। 21 टोकन में मैं क्या ले सकता हूं, एक तो ये वाली जो बन्नी MP5 है ये मैं ले सकता हूँ, बन्नी MP5 ले सकता हूँ टोकन से। तो देख सकते हो बन्नी MP5 भी मैं ले सकता हूँ और 10 टोकन देने पड़ेंगे। तो मतलब कुल मिला के 1000 डायमंड में मेरे जो सारे की सारी चीजें, बन्नी MP40 को मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, देख सकते हो बन्नी MP40 MP5 को जो मैंने कर लिया है, उसके बाद भी मेरे पास 11 जो टोकन है मिल चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सी ले देखते हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा गाइस कि 11 टोकन मेरे पास पड़े हैं क्या लेऊंगा मैं, तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि मेरे 1100 जो डायमंड है वो लग चुके हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको क्या बोलते हैं उसको, कितने डायमंड लगेंगे। तो 1100 डायमंड लग जाएंगे। अभी गिवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो गिवे में पार्टिसिपेट करना गाइस बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर आपने सब्सक्राइब करना है, पास में आने वाले घंटे को दबाना है और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करना है, ताकि अगर आप विनर रहते हो तो आपको गिवे में जो पार्टिसिपेट किए हो तो 600 डायमंड जो मिलने वाले थे वो 600 डायमंड मिल जाए। तो चलिए बन्नी बंडल को ओपन करके देखते हैं, कहां गया बन्नी बंडल भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ मिलेगा बन्नी बंडल, बन्नी बंडल भाई, बन्नी बंडल गया कहाँ पे। हाँ ओपन भी कर लिया था ना मैंने, मे भी यार क्या, तो वहां पर मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। टोटल डायमंड कितने लगेंगे वो मैंने आपको बता ही दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो यहाँ पर हमारा बन्नी बंडल आ चुका है।